एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज मैंने क्रिएट किया है राखी स्पेशल मेकअप। कैसी लग रही हूँ आप लोगों को? एंड फुल लुक आपको रिवील होगा वीडियो के एंड में, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और मैंने कुछ ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं किए हैं, फाउंडेशन बिल्कुल यूज़ नहीं किया है, बहुत लाइट मेकअप रखा है, डे मेकअप रखा है, ताकि आप आराम से इसको कैरी कर सकते हैं इस मेकअप को। और ये सूट जो कपड़ा मैंने लिया था पंजाब से लिया था, स्टिच मेरी मम्मा ने किया है, काफ़ी अच्छा सूट स्टिच किया है, मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो के एंड में, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, मोस्ट वेलकम, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टा आईडी श्वेता सूट 35। तो बढ़ते हैं अपने इस मेकअप लुक की तरफ, कि कैसे मैंने ये लुक अचीव किया, कैसे क्रिएट किया मैंने ये लुक। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ जल्दी से। मेहंदी अभी लगी हुई है, अभी हटी नहीं है। यहाँ वेट वाइप ले लिया है, इसको पहले अपने फेस को अच्छे से क्लीन करेंगे। एयर स्किन केयर में आज मैं एक न्यू पाउडर यूज करूंगी, अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। मैंने अभी एक न्यू प्रोडक्ट ऑर्डर किया है, पिल ग्रीन का रेड वाइन फेस क्रीम SPF 30 विथ विटामिन सी एंड रोज हिप ऑयल। मैंने इसकी वीडियो बनाई, छोटी सी वीडियो बनाई थी, शॉर्ट बनाया था इसका, मैंने वो मैं पोस्ट कर दूंगी अपने यूट्यूब के शॉर्ट्स पे, आप देख सकते हो। मैंने ये पिलग्रिम की साइट से मंगाया है, उसमें था बाय एनी 3 प्रोडक्ट्स इन 999। और इसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या है? वैसे है ये 550 की। तो फेस जैसा मौसम है उसके अकॉर्डिंग ही बहुत अच्छी है, आपका चिपचिपा मौसम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही बहुत अच्छी है, स्टिकी नहीं है, आपका फेस चिपचिपा नहीं करेगी, आपको लगेगा नहीं फेस पे कुछ लगाया हुआ, लाइट वेट है काफी और काफी हाइड्रेट कर देती है आपके फेस को। तो सबसे पहले हम लगाएंगे प्राइमर, एंड वाई ब्रेकअप ब्लरिंग प्राइमर। मेरा ये ख़त्म होने वाला है और मैं सोच रही हूँ कौन सा बाय करूँ, तो अभी मैंने कुछ शॉर्ट लिस्ट किए हुए हैं पर्पली पे, गैलेक्सी कौन सा बाय करते हो। प्राइमर लगाना बहुत ज़रूरी है जब भी आप मेकअप करते हो, बिकॉज ये आपकी स्किन को बहुत स्मूथ कर देता है और आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग रखने में हेल्प करता है, पोर्स के अंदर नहीं जाता, आपके पोर्स को मिनिमाइज कर देता है, मेकअप आपके पोर्स के। लिप बाम मैं यूज़ कर रही हूँ बायोटिक फ्रूट बायोटिक लिप बाम। अब करेंगे फेस को थोड़ा करेक्ट विद द हेल्प ऑफ ऑरेंज करेक्टर, ये पैलेट है इनसाइट की। जितने भी आपके डार्क सर्कल्स हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, उनको हाइड करने में हेल्प करता है ये आपका ऑरेंज करेक्टर। विद द सेम पैलेट से मैं लूंगी आपका लाइट शेड ऑफ कंसीलर। ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लेंगे। अब मैं यूज़ करूँगी लैक्मे की 9 to 5 CC क्रीम, फाउंडेशन यूज़ नहीं कर रही हूँ मैं इसको भी।
उस पर मैं लगाऊंगी स्वीट ब्यूटी का कंसीलर फॉर हाइलाइटिंग दिस एरिया. तो बेस हमने क्रिएट कर लिया है. अब मैं करूंगी आईब्रो फिलिंग. ये है शायद स्विस ब्यूटी की है आईब्रो पेंसिल. फर्स्ट मैं कॉम करूंगी हेयर्स को विद द हेल्प ऑफ स्पूली. इसमें छोटी सी ब्रश दी गई है उससे. नाउ और मैं ब्राउन आईब्रो पेंसिल ही यूज करती हूँ ताकि ड्रामेटिक ना लगे, फेक ना लगे. अब करेंगे आई मेकअप और मैं आपको दिखाऊंगी अपने न्यू ब्रशेस. कौन सी कंपनी है ये? जियोवा कोई कंपनी है. इसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. इनकी हेल्प से करेंगे आज हम पूरा मेकअप. आई मेकअप स्टार्ट करते हैं अपना. जल्दी से. तो आई मेकअप के लिए मैं यूज करूंगी स्विस ब्यूटी की अल्टीमेट प्रो शेडो पैलेट, एशेडो पैलेट. और मैं यूज करूंगी ब्लू हेवन की ब्लिंक इट ब्लिंक मैट एंड मेटालिक आई शेडो पैलेट. इसमें से जो कंसील वाला कलर है ना, ये वाला, इसको लगाऊंगी ऑल ओवर द आईज. ये अपनी आईज का बेस क्रिएट कर रहे हैं. अब मैं लूंगी एक डार्क पिंक कलर. ये मैं यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी पैलेट. अब मैं लूंगी गोल्डन कलर, मैट गोल्डन कलर ब्लू हेवन की पैलेट में से. ये येलो कलर मैंने लगाया है अपनी मिड ऑफ द आई डैब कर करके लाइक दिस. अब मैं लगाऊंगी काजल. फेसिस कैनेडा का यूज कर रही हूँ मैं. ब्रश और उसकी हेल्प से जो पिंक आई शेडो मैंने ऊपर लगाया है वो मैं नीचे लगाऊंगी लोअर लाइन में. अब मैं लगाऊंगी मस्कारा. मेरी में कॉल से मस्कारा है ये. अब करेंगे मेकअप को सेट विद द हेल्प ऑफ फेसिस कनाडा का कॉम्पैक्ट पाउडर. ऐसे ऐसे कर लेना है दैब अगर एक्स्ट्रा आ जाए तो. मेकअप भी हो गया है सेट हमारा फिक्स, बिल्कुल कहीं नहीं बढ़ेगा बिकॉज हमने कॉम्पैक्ट की हेल्प से इसको सेट कर लिया है, पाउडर की हेल्प से सेट कर लिया है. बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज अगर आप पाउडर जब सेट नहीं करोगे तो आपका फाउंडेशन सारा ऐसे बह जाएगा. मैं कोई भी ब्राउन आईशैडो ले लूँगी और उसको एज अ कॉन्टोर यूज करूँगी जो मैं यूज करती आ रही हूँ. तो कॉन्टोर कर लिया अपने फेस को. ये ब्लश के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये कलर सेंस का ब्लश. हाइलाइटर के लिए यूज कर रही हूँ मिलायल की हाइलाइटर पैलेट इंस्टेंट ग्लो शिमर ब्रेक. हाइलाइट कर लिया. अब आती है लिप शेड की बारी. फर्स्ट मैं करूंगी अपने लिप
को अच्छे से वाइप, क्योंकि मेकअप देखो लिप लाइन अपने लिप्स को। लिप शेड ये है रिकोड की स्टोर न्यू लिप शेड। तो मेकअप मैंने कर लिया, अब मैं लगाऊंगी छोटी सी बिंदी। अब मैं पहनूंगी इयररिंग, और जो सूट मैंने पहन रखा है मैं ये लेके आई थी पंजाब से। मैंने पंजाब की शॉपिंग नहीं दिखाई ना, टाइम ही नहीं मिला। और स्टिच मेरी मम्मी ने किया है, मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत अच्छा स्टिच किया है। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक। कैसा लगा आप लोगों को? आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।